और उनके साथ बात करने का बहुत मौका मिला। आज बहुत से लोगों ने उनके बारे में बहुत बातें कही, ज्ञान प्रकाश जी ने भी सब कुछ कह दिया है और हमारे हसीन साहब भी काफ़ी कुछ बोले और बमकारी बोले, विजय भी बोले। तो मैं कहने की तो मैं घंटों बोल सकता हूँ उसके बाद। मैं वहाँ पर पुष्पांजलि देने के लिए जब उनको गया, आप लोगों ने भी करे हुआ पाँच किया हुआ कि नहीं, उसके बाद में बड़ी देर तक हाथ जोड़े खा दिया, भाव हो गया। कलाम साहब को किसी भी रूप में आप देखें, हमारे देश के पहले वैज्ञानिक थे तो राष्ट्रपति बने, किसी और देश का कोई वैज्ञानिक आज तक राष्ट्रपति बना नहीं। इतना बड़ा रिकॉर्ड, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में कोई वैज्ञानिक पूरा भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। मेरे इस उम्र में छोटे थे, मैं DRDO की बायोसाइंस कमेटी का 5 साल अध्यक्ष था, जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह अप्रूव होते थे, उसमें एग्रीकल्चर भी था। और गवर्नमेंट ने मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया। उसमें कलाम साहब एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक की हैसियत से वो हमारी कमेटी के सदस्य थे, मीटिंग में आते थे, हमारे कमेटी में बैठते थे, दो चार बात करते थे, किसी एजेंडा पर कुछ कहना होता था। वो इतने व्यस्त थे, किसी भी ऐसी समिति में पूरी टाइम बैठती, लेकिन वो इतने महान थे, उनकी महानता मैं कभी भूल नहीं सकता। जाते समय मुझे धीरे से कहते थे, सर कह रहे हैं, उस वक्त न हमको पता था न किसी को पता था कि ये हमारे राष्ट्रपति बने, और हम मीटिंग कंडक्ट करते थे, वो चले जाते, हम उनको कहते थे आप चले जाइए, अपनी बात कह करके चले जाइए, और चले जाते थे। राष्ट्रपति रहे, पौधों से उनको बहुत प्यार था, फूलों से, कोई भी किस्म का पौधा, फल का, सब्जी का, जंगल का, मेडिसिनल प्लांट्स, कोई भी किस्म का पौधा हो, उनको बहुत प्यार था। और मुझे कहते थे, और गुलाब का थोड़ा खरी भाग उन्होंने राष्ट्रपति फोन में है, आपको पता है, मुझे कहते थे, डॉक्टर कहीं से कोई नया पेड़ मिले तो मुझे ब्याह के लिए मैं राष्ट्रपति भवन में लगा, और जब राष्ट्रपति नहीं थी उसके बाद जो उनको मकान मिला था उसमें पेड़ों और पौधों के ख्याल से राष्ट्रपति भवन के बाद दूसरा मकान मिला था। और कभी नहीं, दो बातें मैं आपको इस तस्वीर बताना चाहता हूँ जो हमारे संस्मरण है। एक पौधा है योनी, औषधि पौधा है, ट्राइबल एरिया में होता है, हवाई से लेकर के और फिलीपींस तक समुद्र के किनारे किनारे जहाँ पे, यहाँ भी कोकण गोवा से लेकर के और जितने समुद्री तट हैं वहाँ होता है, और ऐसी जगह में होता है कि जहाँ पाला नहीं पड़ता, ग्रास नहीं होता।